देखिए बच्चों, कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था यहाँ तक, आज इसका आंसर यहाँ है। आज से हम शुरू करते हैं। कह रहा कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। किस चीज़ को त्यागने से, किस चीज़ को छोड़ने से आदमी धनी हो जाता है? उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इच्छा, यदि आदमी अपनी इच्छा मतलब लालच को यदि त्याग देगा, छोड़ देगा, तो वह क्या हो जाएगा? धनी हो जाएगा। फिर कहते हैं व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण इज इट इज अर इज इट बर्थ गुड कंडक्ट आर लर्निंग एंसर डिसिप्लिन। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर जी से कि एक आदमी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बना सकता है, यानी वास्तविक ब्राह्मण क्या होता है, कौन होता है? इज इट बर्थ, क्या जन्म लेने से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, या लर्निंग या ज्ञान से, विद्वत्ता से? एंसर डिसिप्लिन, मतलब निर्णायक उत्तर दो, निर्णय करके उत्तर दो, अच्छा से उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट एलोन डज, हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स इवेन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। युधिष्ठिर जी अब जवाब देते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म लेने से और विद्वत्ता से यानी विद्वान बनने से, ज्ञान ज्ञानी होने से वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं हो सकता। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छे आचरण से, केवल अच्छे आचरण से वह क्या हो सकता है? एक वास्तविक ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण हो सकता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। कहते हैं कि आदमी कितना हूँ ज्ञानी हो जाए, कितना भी ज्ञान ले ले, लेकिन वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बिना अपने बुरी आदतों को छोड़े बिना यानी त्यागे बिना वह अच्छा ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो यानी ज्ञानी हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है यानी तुच्छ श्रेणी में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष जी पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम, व्यक्ति यानी आदमी प्रत्येक दिन देखते हैं कि प्राणी क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं यानी उनकी मृत्यु होती है, यानी यम के राज्य में प्रस्थान करते हैं। एंड येट, और फिर भी दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और जो इस दुनिया में लोग हैं, शेष लोग बचे हैं, वह हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तविक आश्चर्य यानी यह वास्तव में महान आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे अनेकों क्वेश्चन किए यानी प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का जवाब दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। कहते हैं कि ओ राजन, हे राजन,
तुम्हारा एक भाई पुनर्जीवित हो सकता है, यानी मैं तुम्हारे एक भाई को पुनः दोबारा जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जिंदा करना चाहते हो, यानी तुम मुझसे यानी मेरे द्वारा वरदान पाकर किससे तुम जिंदा करवाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक दैट एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल। कहते हैं कि इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड, यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा और तब वह इच्छा किए दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स मेघवड़ वाले लोटस आइट कमल नयन वाले प्रौढ़ छाती वाले एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाले किसको नकुल को। कहते हैं कि यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी लगा और तब वह मेघवड़ वाले कमल नयन वाले चौड़ी छाती वाले यानी चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल को चाहे यानी उनको जिंदा करना चाहा। लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्रीज, जो आबनूस के पेड़ की तरह क्या किए थे, लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, माइट एराइज, उनको जिंदा करना चाहते थे, यानी वे सोचते थे कि नकुल क्या हो जाए, जिंदा हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ एंड आस्क्ड युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीमा, तुमने यानी युधिष्ठिर आपने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, यानी भीम के पास कितने हजार हाथियों का बल था, 16,000। कहते हैं आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीमा यानी भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है यानी तुम्हारा सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी बाहें जिसकी भुजाएं तुम्हारी यानी आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा क्या रहती थी, तैयार रहती हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल, बताओ तुमने नकुल को क्यों चुना। रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, युधिष्ठिर ने क्या किया, जवाब दिया, ओ यक्ष ओ यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म आदमी का रक्षक केवल धर्म होता है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रुइन्ड, यदि व्यक्ति धर्म को क्या करता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, तो वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वे आर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की कितनी पत्नियां थी, दो पत्नियां थी। आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती, कहते हैं कि कुंती का मैं एक पुत्र क्या हूँ, जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, न्याय का तराजू न्याय का तुला भी यही कहता है। आई एस्क
दैट माधुरी सन, मैंने माधुरी के पुत्र के लिए कहा। नकुल में भी रिवाइव, नकुल क्या हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए। विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू हिज टू लाइफ। कहते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर से बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर से देखेंगे, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर impartiality and granted that all his brothers would come back to life। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यानी निष्पक्ष पूर्ण भाव पर विचार पर बहुत ही प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों को क्या हुए, कर दिए, जीवित कर दिए। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता पूर्ण विचारों पर, भावों पर यानी बातों पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को क्या कर दिया, वापस जिंदा कर दिया। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम थे, किसके मालिक, मृत्यु के राजा मालिक यानी राजा थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिन्होंने क्या किया था, यक्ष का रूप पकड़ा था, यक्ष का रूप धरा था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वह इसलिए कि वह युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, इसके बाद वह क्या हो गए, अदृश्य हो गए। आपका ये लेसन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।